वेलकम बैक गाइस टू द WSCube टेक। गाइस आज हम एडवोल्यूशन में बात करने वाले हैं। फ्रॉम वॉशिंगटन DC विद इंटरनेशनल हाउस साउंड्स। ये साउंड के बारे में गाइस, ये जो सिबलिंग साउंड होता है इसे गाइस सिबलिंग साउंड कहा जाता है। सुनिए आप ये इसके बारे में गाइस हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे डीजर का यूज करके इस साउंड को रिडक्ट कर सकते हैं, मींस गाइस इसे फिक्स कर सकते हैं। जो ये ठीक है, हम इसे डिलीट तो नहीं कर सकते, अगर हम इसे डिलीट कर देंगे तो गाइस हमारा पूरा ऑडियो बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो साउंड है वो सिर्फ आउंड ही बचेगा। ठीक है, तो गाइस डिलीट तो नहीं कर सकते, तो हम कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। आज हम डीजर का यूज करके एक्यूरेटली जानेंगे गाइस कि हम कैसे वैल्यूज का यूज करके इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस इसमें हमें करना होगा गाइस स्पेक्ट्रल डिस्प्ले का यूज, क्योंकि गाइस एक्यूरेट एडिटिंग के लिए स्पेक्ट्रल डिस्प्ले ही बेस्ट है। ठीक है, सो गाइस इसे मैं स्पेक्ट्रल डिस्प्ले को ओपन कर लेता हूँ, इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। गाइस यहाँ हमें ये देखिए मार्केट टूल से हम ये पार्ट को आप सुनिए, ये है गाइस हमारा का जो साउंड है वो ये पार्ट है गाइस। ठीक है, आपने ये पार्ट सुना, ये सुना, अब गाइस ये सुनिए गाइस, ये जो कुछ पार्ट्स है ये देखिए, ये सीधी लाइंस है, प्लस इस फ्रीक्वेंसी में ये अराउंड 10 to 12 kHz है गाइस। सो इस फ्रीक्वेंसी में ही गाइस हमें ये साउंड मिल रहा है। ठीक है, सो गाइस आज हम देखेंगे कि एक्यूरेटली हम कैसे इन वैल्यूज को यूज करके इस साउंड को रिडक्ट कर सकते हैं, कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते गाइस। सबसे पहले तो हमने अब देख लिया कि यहाँ हमारा ये साउंड है, तो गाइस फिर मैं मिनिमाइज करूँगा इसे। इसके बाद गाइस मैं आऊँगा विंडो में, और विंडो में गाइस आके एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा फीचर है, फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। ठीक है, इसका गाइस आप ये विंडो ओपन कर लीजिए। सो गाइस इस फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में आपको फ्रिक्वेंसी की अच्छी खासी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। सो देखते हैं हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। गाइस देखिए, पहले तो हम हमारा जो ये पार्ट था, ठीक है, ये था हमारा गाइस वाला पार्ट है ना, SS या C जो साउंड है वो पार्ट है। सो गाइस इसे हम अच्छी तरह से पहले कर लेते हैं सेट। ठीक है गाइस, आई थिंक इतने पार्ट में ये जो येलोइश कलर है गाइस, ये जो ब्लैक कलर होता है या गाइस साउंड नहीं होता, जो पर्पल होता है या थोड़ा साउंड होता है, देन रेड आता है गाइस, यहाँ और ज़्यादा साउंड होता है, और सबसे ज़्यादा साउंड होता है गाइस हमारा ये जो येलो इस पार्ट होता है यहाँ। ठीक है, ये रेडिश है, यहाँ भी साउंड होता है, बट ये जो है यही हमारा जो ये जो फ्रिक्वेंसी है गाइस वो इसी के अराउंड है हमारी, 10 to 12 8K हम कह सकते हैं। सो गाइस हम स्टार्ट करते, देखिए आप ये गाइस बस हम स्टार्ट कर देंगे और हम अपना प्रिंट ले लेंगे। गाइस ये जो देखिए अब मैंने प्रिंट लिया है, ये मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बता रहा है जो कि गाइस ये है। ठीक है, सो ये है मेरी अराउंड गाइस 7967 गाइस। ठीक है, 7967 समझ लीजिए आप 8K के अराउंड है गाइस ये। सो बस गाइस ये वैल्यू जो है ये हमें आगे काम आने वाली है। तो यहाँ आएंगे हम गाइस, यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड कंप्रेशन में डीजर था जिसकी वैल्यूज थी गाइस सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 8K जो वहाँ हमें मिली थी, और ये गाइस बैंडविड्थ हमें रखना होगा इसके अकॉर्डिंग। हमारी जो सिबलिंग साउंड का जो स्टार्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब लोअर एंड की फ्रीक्वेंसी है प्लस जो हायर एंड की फ्रीक्वेंसी है, उसका गाइस हमें डिवाइड करके इसको अराउंड रखना होगा 4K। ठीक है, सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि आपको कितना डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। ये देखिए, ये आपका प्रीव्यू विंडो है गाइस, आपको थ्रेशोल्ड आप कर दीजिए या अराउंड 40, ठीक है, -40। देखिए गाइस, ये आपका बिफोर, देन ये आपका आफ्टर। ठीक है, नो डाउट अभी भी आप यहाँ एस का साउंड होगा, बट जो वो इरिटेटिंग सा साउंड था वो नहीं होगा। ठीक, एस के बिना तो वो वर्ड ही कंप्लीट नहीं हो सकता, तो एस तो होना ही चाहिए, बट वो जो इरिटेटिंग था गाइस साउंड में वो पार्ट जा चुका है। ठीक है, हम सुनेंगे इसे। देखिए गाइस, इसे मैं पहले डिसेबल करूं तो गाइस ये था, और अब इनेबल करूं तो इतना गाइस डिफरेंस आया है। तो इसे अब बस आप अप्लाई कर दीजिए और फिर से हम इसे सुनते हैं।
ठीक है गाइस, एस है बस, बट अगर आप इन दो में डिफरेंस देखते हैं तो गाइस आप समझ पाएंगे हमारा जो इफेक्ट था गाइस वो सिर्फ इसी पे अप्लाई हुआ था, इस पे नहीं हुआ था, ठीक है। सो ये आप देख सकते कितना येलो अभी भी है और ये काफी कम है, मतलब इसमें है अभी भी एस बचा हुआ है कुछ, बट गाइस वो तो नेचुरलनेस भी होनी चाहिए साउंड में। तो गाइस आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे डीजर का यूज करके ऐसे इरिटेटिंग से साउंड्स जो होते हैं हमारे उन्हें हटा सकते हैं। ये तो ठीक है गाइस, हमने अभी इस फ्रीक्वेंसी का साउंड देखा जो एस से था। कई बार गाइस किसी का साउंड कोई ऐसे लेटर्स से होता है जैसे डी हो गया, तो गाइस डी ये तो लोअर फ्रीक्वेंसी में आएगा तो इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस तब भी आप ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस विंडो का यूज करके उसे भी रिमूव कर सकते हैं, उसे भी रिडक्ट कर सकते हैं। बस गाइस आपको स्टेप्स याद रखने होंगे हमने क्या क्या किया आज। गाइस हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने स्पेक्ट्रल डिस्प्ले का यूज करके साउंड पता किया है कि वो हमारा कौन सी रेंज में है, देन हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में आके गाइस एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता करके गाइस हमने डीजर में उसका यूज किया है और गाइस उसका थ्रेशोल्ड सेट करके हमने हमारा डीजर सेट कर दिया है, ठीक है। सो काफी सिंपल सा टूल था गाइस, अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते तो ये टूल आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है और काफी यूजफुल सा टूल है गाइस। इस पे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स कभी आए तो आप उसे जल्दी सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है गाइस। सो बस लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स एंड मोटिवेटर्स गाइस, आप सपोर्ट करते तो ही हम मोटिवेट हो पाते। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियो अगर कोई डाउट्स है तो हम वो क्लियर करेंगे, आप कमेंट कर सकते गाइस। सो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए WSQ Tech गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।